चेयरमैन की पोजीशन पर गजेंद्र चौहान को जिस तरीके से इस पद पे रखा गया है इसे लेकर काफी लोग नाराज हैं और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के बाहर पे आईसा की जो लोग है वो यहाँ मौजूद है इस मसले के खिलाफ। आइए हम जानते हैं कि आगे एक विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। जिस तरीके से देखा जा सकता है चेयरमैन के चेयरमैन गजेंद्र चौहान को नियुक्त किया गया है इसे लेकर यहाँ पे मौजूद है काफी नाखुश नजर आ रहा है। किसकी वजह क्या? देखिए पहले तो आप ये बात समझ लें कि हमारी गजेंद्र चौहान से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है। FPI एक संस्थान है जिसे भारत सरकार कहता है इट्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नाउ उस एक संस्थान को गाइड करने के लिए जिस आप व्यक्ति को लेके आएंगे उसका भी कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे पद पे लेके आएंगे जिस पद पे ऐसे लोग बैठे हैं जो 12-7 साल के विनर हैं, जो पद्म भूषण नेशनल अवार्ड विनर्स, तो वहां पर गजेंद्र चौहान जैसे आदमी को लेके आना, मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि उनका फिल्मी या कल्चर बैकग्राउंड क्या। ये कहना कि मैंने 600-700 सीरियल में काम किया, डज दैट क्वालिफाई हूँ टू गाइड द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फिल्म इंस्टीट्यूट? इज ही गोना प्रोवाइड देम एनी काइंड ऑफ मार्गदर्शन करेंगे उनका? इस तरीके से यहाँ पे मौजूद लोगों ने जिक्र किया, खुली खिड़की की बात करी फिल्म की और उनकी मेंटेलिटी की बात करी और असर हम बापू से जोड़ के बात तो कहा गया। क्या ये बात तो हुकूमत भी इसे काफी वाकिफ होगी? सब जानते हुए भी उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है, क्या लगता है कि आखिर किस मंशा के साथ हुकूमत ने इसे नियुक्त किया? देखिए ऐसा है कि हुकूमत ने जब उनकी नियुक्ति की तो कोई भी गवर्नमेंट ड्यू डिलिजेंस काफी जांच पड़ताल के बाद एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है। हमें तो मालूम नहीं मिला, हमें तो ये मालूम था बचपन में जो हम एक सीरियल देखा करते थे उसके अंदर उन्होंने विषय का रोल किया था। इसके अलावा हमें कभी इनको देखा था वो टेली मार्केटिंग करते हुए, वो टेलीविजन के ऊपर प्रोडक्ट बेचते हैं, टेली मार्केटिंग वो करते हुए देखा था। अब जब इनकी नियुक्ति की गई तो हमने इनके बारे में गूगल सर्च करना शुरू किया। जब गूगल सर्च करना शुरू किया तब हमें पता लगा कि ये व्यक्ति है कौन। तो मैं ये मानने में तैयार नहीं हूँ कि भारत सरकार को ये नहीं पता कि आप इतने महत्वपूर्ण पद के ऊपर किसी को बिठा रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं उसका बैकग्राउंड क्या, ये मैं नहीं मान सकता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि जिस तरीके से गजेंद्र चौहान को नियुक्त किया गया है और जिस तरीके सरकार ने ये फैसला लिया है ये काफी निराशाजनक है, क्योंकि जिस तरीके से गजेंद्र चौहान का जो बैकग्राउंड है, जिस तरीके से वो सिविल से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों का लगता है कि गजेंद्र चौहान इस पोजिशन के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है और इनकी जगह पे किसी और लोग को रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके बैकग्राउंड को देखा गया, जिस तरीके उनकी मेंटेलिटी को देखा गया है, इसे लेकर यहाँ पे लोग आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गजेंद्र चौहान को पोजीशन से हटाया नहीं गया तो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान होगा। मैं जयंती सिंह के साथ।